नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। यस यस यस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि लेट के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, फिर बाद में भी ऑब्जेक्ट आएगा। यस, तो इसको क्या बोलेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये एक्टिव। चेंज करना होगा पैसिव में। पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, लेट का लेट नोट कर देंगे। अब क्या करेंगे पता है, ये वाला ऑब्जेक्ट को यहां पे लिखेंगे। यस यस यस, ये वाला ऑब्जेक्ट को यहां पे लिखेंगे और ये V1 को B प्लस V3 में चेंज करके ये वाला ऑब्जेक्ट लगा देंगे बाई के बाद। बस कुछ नहीं करना, हाँ कुछ नहीं करना है और करना ये है, बस लेट का लेट लिखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पीछे से आगे कर लेंगे और V1 को क्या कर देंगे B प्लस V3 में चेंज करके बाई लगा के और ये अगला वाला ऑब्जेक्ट को बाद में लिख देंगे। बात खत्म, मामला सर, मामला सेट हो गया। आइए ना एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट हर सिंग अ सॉन्ग, तो क्या करेंगे, लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर, लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बोल रहा है लेट हिम कंप्लीटेड द वर्क, लेट हिम कंप्लीटेड द वर्क का बनाएंगे पता है, लेट का तो लेट लिखेंगे उसके बाद ये वर्क, द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग के सामने है, बोले लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क क्या करेंगे पता है, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। यस, आया बस समझ में, ये होता है आप लोग का पैसिव। चलिए कुछ और कंसेप्ट देखते हैं।